आनंद पुरोहित, महासचिव पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर। हम आज यहाँ बाड़मेर के एक पथमेड़ा गौ चिकित्सालय का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें मृत पशु उठाने की जो समस्या है वो हमारे चिकित्सालय में पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। नया ठेका नगर परिषद से हुआ नहीं है और पुराना जो ठेकेदार है वो हमारे से एक प्रति गौवंश 2-2 हज़ार रुपये मांग करता है और इस तरह से मृत पशु उठाने की कार्रवाई करता है। और हमारे यहाँ पर पूरे शहर से जो एक्सीडेंटल गौवंश है वो आता है, रेस्क्यू करके हम उसको लाते हैं, हमारी एम्बुलेंस है उसके अंदर उसको लाते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं। उसके बीच में कहीं एक दो गौवंश प्रतिदिन जो गोलोकवासी हो जाता है, मृत हो जाता है, और उसको उठाने के लिए हमारे को कोई ना कोई सुविधा नगर परिषद से चाहिए होती है, लेकिन उसके पिछले 2 साल से हमारे को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और उसी का ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए, उनसे निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी जो अगर ठेका नहीं हुआ है नगर परिषद दे तो वो ठेका करवाया जाए और उस ठेकेदार को सुविधा हमारे को जो है मृत पशु उठाने की वो हमारे को मिल सके, ऐसी सुविधा हमारे को मिले। और दूसरी समस्या थी डंपिंग यार्ड की, कि जो पूर्व में जो डंपिंग यार्ड की ज़मीन थी उसके अंदर नगर परिषद ने प्लॉट काट कर वह लोगों को आवंटित कर दिए और उसके बाद में दूसरी नई कोई ज़मीन अभी तक ना तो अंकित हुई है और ना उसका अलॉटमेंट हुआ है। तो हम निवेदन करते हैं कि भाई ठेकेदार भी अगर मृत पशु उठाएगा तो डालेगा कहाँ, तो इसलिए हमारा निवेदन ये भी साथ में था कि जल्दी से जल्दी डंपिंग यार्ड की ज़मीन जो है वो अंकित करके और उसका अलॉटमेंट कराया जाए ताकि ठेकेदार वहाँ पे उस मृत पशु को निस्तारित कर सके। तो इस तरह का ज्ञापन आज प्रतिनिधिमंडल पथमेड़ा गौ चिकित्सालय ने दिया। ना घटना बताई इसको कि भाई 2000 रुपये अगर कोई ठेकेदार मृत पशु के ले रहा है, सेवा कार्य जो हम कर रहे हैं उसके बदले हमारे को अगर इस तरह का बेवजह का पैसा चुकाना पड़ता है तो यह किसी तरीके से जायज़ नहीं है। उन्होंने हाथों हाथ आयुक्त साहब से बात की है और उनको बुलाया है, आज प्रतिनिधिमंडल उनका बैठ के और इसका कार्रवाई करेगा, समाधान का पूरा भरोसा हमारे को दिया है। पशु आपके यहाँ मरे पड़े रहेंगे, नंबर उठाएंगे, नहीं तो करना पड़ेगा, नहीं है तो करो।